IRCTC लेटेस्ट न्यूज, दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। यानी किसी दूसरे स्टेशन से भी पकड़ सकते हैं ट्रेन, नहीं लगेगा जुर्माना, जाने IRCTC का नियम। IRCTC ने अपने बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देने का फैसला कर रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब तक अगर आप बोर्डिंग स्टेशन के वजह किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे तो जुर्माना यानी पेनल्टी देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। IRCTC ने रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। अब यात्री ट्रेन पकड़ने से पहले ट्रेन टिकट में बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। जाने कौन से यात्रियों को मिलेगा लाभ? ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वाले रेल यात्री IRCTC की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अगर आपने ऑनलाइन या किसी एजेंट के जरिए टिकट लिया है तो IRCTC की इस सुविधा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्री खुद से ही इस बदलाव का लाभ ले सकते हैं। जाने कितना देना पड़ता था जुर्माना? अभी तक यह नियम था कि अगर आपने तय किए गए बोर्डिंग स्टेशन के बदले किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़े तो जुर्माना देना पड़ता था। इसके साथ ही बोर्डिंग स्टेशन से लेकर ट्रेन पकड़ने तक का किराया भी यात्रियों से वसूला जाता था। अब यह जुर्माना सिर्फ उन यात्रियों को देना पड़ेगा जो बिना बोर्डिंग स्टेशन बदले दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे। IRCTC की यह सुविधा उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक की है, ना कि ट्रैवल एजेंट के जरिए और ना ही पैसेंजर रिजर्वेशन सीट के जरिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी जानकर अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकॉन आ जाएगा, उसे जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।